नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्काटेक न्यूज के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एमएससीडी और आरएसआई ये दो इंडिकेटर्स का यूज करके हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ऑप्शन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, जो भी आप शॉर्ट से मीडियम लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते, चाहे निफ्टी फ्यूचर हो, इंडेक्स के अंदर आप जो भी पोजिशंस बनाते हो, उसके लिए ये जो स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत कमाल की वीडियो होने वाली है, जो बिल्कुल बिगनर से उनके लिए वीडियो तो काफी फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। सिंपली जो दोस्तों आपको अपने ग्रो एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है, चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी चार्ट आप सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट सिलेक्ट किया। आज जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम और कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया है। हमें यहाँ पे एफएक्स के अंदर जाना है। सिंपली हम यहाँ से एफएक्स सिलेक्ट कर देते हैं। एफएक्स के अंदर से हम इंडिकेटर्स को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एमएससीडी यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएससीडी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एमएससीडी सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं एमएससीडी हमारे चार्ट पे यहाँ पे नीचे की साइड में प्लॉट होता हुआ है, दिखाई देता है। यहाँ पे दो लाइंस हमें दिखाई देती है और यहाँ पे हमें कुछ हिस्टोग्राम दिखाई देता है। सिंपली दोस्तों एमएससीडी के अंदर जो है आप देख सकते हैं, इनपुट्स के अंदर जाएंगे जो हमें यहाँ पे एक्चुअल में जो फास्ट लेन जो है 12 की और स्लो लेन जो है 26 की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और सिग्नल लेन जो है 9 की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम इसे कोई चेंज ना करते हुए इसे ओके कर देते हैं, और यहाँ से हम और एक इंडिकेटर ऐड करेंगे एमएससीडी। आप देख सकते हैं दोस्तों ये दो लाइन का जो जब भी क्रॉस हो रहा है, आपको इसे बड़े टाइम फ्रेम पे ही देखना है, क्योंकि हम शॉर्ट से मीडियम टर्म या चाहे आप पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए इसे यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे हमें एक जीरो वाली लाइन मिलती है जो बिल्कुल सेंटर में चलती है। इसके ऊपर हिस्टोग्राम हमें बनते हुए दिखाई देता है। हिस्टोग्राम ऐसे दिखाई देता है दोस्तों कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दो लाइंस के अंदर का जो गैप है वो हिसाब से यहाँ पे हिस्टोग्राम यहाँ पे प्लॉट होते हुए हमें दिखाई देता है। आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर देखने को मिला था। जब भी क्रॉस ओवर मिलता है जीरो लाइन के नीचे, तो आप समझ लेना यहाँ से मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट या जो ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स होने वाला है, इससे हमें समझ में आता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला जब निफ्टी 19,000 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और मार्केट में एक शार्प रैली हमें यहाँ पे लगभग 21,000 तक यानी 2,000 पॉइंट की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिली। अगर आपको इस सिग्नल के बारे में या इस स्ट्रेटेजी के बारे में पहले ही पता होता, तो आप यहाँ से पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग या आप कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते या अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से हम और एक इंडिकेटर ऐड कर लेते हैं, फिर से एफएक्स में जाएंगे। यहाँ पे जो सबसे मेन लीडिंग इंडिकेटर है दोस्तों हमारा आरएसआई, आरएसआई बहुत जबरदस्त वर्क करता है दोस्तों। इसकी कुछ सेटिंग्स है, इसे आप ध्यान से देखिए। आरएसआई यहाँ पे हमने प्लॉट कर लिया है। आरएसआई की जो सबसे मेन जो लेवल से दोस्तों हमारे लिए की लेवल्स हम उसे कहेंगे 50 और 60, ये दोनों लेवल्स हमें देखना है। हमें फॉरगेट कर देना है ये जो हमेशा बताया जाता है कि ये ओवरसोल्ड, इसे हमें ध्यान में नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि अगर आरएसआई 70 के ऊपर है और मार्केट में एक अप ट्रेंड है, तो आरएसआई जान नहीं सकते कब तक 70 के ऊपर ही रहेगा, मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा दोस्तों। तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल को हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। हम सबसे मेन यहाँ से पहले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ के स्टाइल्स के अंदर जाएंगे। अपर लिमिट की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम सिंपली यहाँ से मिडन लाइन जो है यहाँ से थोड़ी थिक कर लेते हैं, और इसकी जो लेवल जो लिमिट है यहाँ से 60 कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 के लेवल्स आ गए हैं, और जो लोअर लिमिट है यहाँ से हम सिर्फ 50 करेंगे। 50 हमारे लिए अलर्ट के लिए काम करेगा, और यहाँ से हम जो लाइन है इसकी थोड़ी ठीक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। यहाँ से लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ से लाइन में, और इसे ओके कर लेंगे। आप देखेंगे अभी अभी दोस्तों सिर्फ एमएससीडी या चाहे कोई भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, सिर्फ उसके सिंगल इंडिकेटर के हिसाब से हम कोई ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। तो
तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफर्मेशन के लिए और कोई इंडिकेटर हमेशा साथ में होना जरूरी है, तो इसलिए हम RSI का यूज कर रहे हैं। जैसे RSI 50 के ऊपर क्रॉस करेगा, आपको स्ट्रेटेजी ध्यान रखना है दोस्तों कि आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI 50 के ऊपर क्रॉस करा, यहाँ पे MACD पे हमें एक क्रॉस और देखने को मिला, यहाँ पे भी मार्केट में एक हमें रिवर्सल पॉइंट देखने को मिला। आप देख सकते हैं मार्केट में यहाँ पे शार्प मूवमेंट ऊपर की साइड में हमें देखने को मिली। तो दोस्तों ये सेटिंग्स आप ध्यान में रखें, RSI की जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है, RSI जो 50 के ऊपर जैसे जाएगा हमें एक अलर्ट मिल जाएगा। दोस्तों 60 का लेवल हमने इसलिए रखा है, आप अपसाइड की पोजीशन अगर बनाते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे 60 के नीचे RSI आने लगा तो हमारी जो अपसाइड की जो पोजीशन है, जो लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से काट देंगे। सिर्फ 50 के ऊपर जाते ही हम यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और जैसे ही ऊपर से 60 के नीचे यहाँ पे क्रॉस ओवर मिलता है, आप देखेंगे मार्केट में एक डाउनफॉल हमें अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि RSI ने यहाँ पे 60 का लेवल यहाँ पे ब्रीच करके 50 का भी लेवल ब्रीच कर दिया है। यहाँ से आपको शॉर्ट पोजिशन बनाने का मौका मिल सकता है। तो सिंपली दोस्तों इस तरह से आप इस स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं, चाहे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ से हम अगर बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखना चाहे तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। आप देखेंगे यहाँ पे RSI जैसे 60 के नीचे यहाँ पे क्रॉस हुआ, हमें साइन मिल गया या कॉशस हो गए कि मार्केट में यहाँ पे डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो आप देख पाएंगे इस कैंडल से हमें ये जो बड़ी बार्स आपको रेड दिखाई दे रही है, लगभग मार्केट 47,200 से लेके अभी जो प्राइस चल रहा है 41,150 के आसपास से प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ से पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इसे यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे RSI 50 से यहाँ पे क्रॉस हुआ, हमें यहाँ पे एक शार्प मूवमेंट, ये जो बड़ी मूवमेंट है 43,500 से लेके लगभग दोस्तों 48,500, लगभग 5,000 पॉइंट की जो मूवमेंट है हमें इस स्ट्रेटेजी से यहाँ पे देखने को मिली। तो दोस्तों आप इस तरह से चाहे कोई भी स्टॉक पे भी इसे देख सकते हैं, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं यहाँ से, जो भी रैंडमली यहाँ पे आता है मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे RVNL जैसे ही यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा रिवर्सल आया था 50 के पास से, फिर से मार्केट ऊपर घूम गया, RSI ऊपर घूम गया, तो मार्केट में यहाँ पे शार्प अप मूवमेंट हमें देखने को मिली। लगभग स्टॉक जो है दोस्तों 180 से लेके सी लास्ट दिसंबर लास्ट वीक से लेके तो 180 से 300, लगभग 120 रुपए की मूवमेंट हमें स्टॉक में इस तरह से देखने को मिली। तो दोस्तों कभी भी RSI को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स के लिए नहीं देखना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे RSI अभी जो है 78 लगभग चल रहा है, तो तभी भी स्टॉक में एक शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिली, क्योंकि आज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, इसलिए हमें आज यहाँ पे थोड़ा एक बेरिश साइड का मूवमेंट देखने को मिला। तो दोस्तों इस तरह से आपको इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, जब तक आपको इस स्ट्रेटेजी पे ट्रस्ट नहीं होता आपको चार्ट्स को देखना चाहिए कि कितनी जगह एक्चुअली स्ट्रेटेजी वर्क करती है और कहाँ पे यहाँ से हमें फॉल सिग्नल्स मिलते हैं, आपको इसे बैक टेस्ट करने के बाद में ही समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हो, चाहे आप इसे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज करना चाहे तो आप इसे 15 मिनट के चार्ट पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमने हमारे चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस और जो इंडिकेटर से इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से दी गई स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।